टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अक्सर देखा जाता है कि बार रेस्टोरेंट का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम से रखा जाता है, जैसे दुर्गा बार, लक्ष्मी बार, अन्य ऐसे कई देवी देवताओं के नाम से आपको बार रेस्टोरेंट मिलेंगे। मगर अब इन नामों को बदलने की मांग हो रही है। मुंब्रा से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आशीष कन्नौजिया ने महाराष्ट्र शासन से पत्र व्यवहार करके इनका नाम बदलने की मांग की है और महाराष्ट्र शासन के तरफ से 30 जून तक अल्टीमेटम दिया गया है, देवी देवताओं के नाम हटा दिए जाएं, नहीं तो इन पर कार्रवाई हो। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आशीष कन्नौजिया ने इस पूरे मामले में जो महाराष्ट्र शासन से पत्र व्यवहार किया है, इस पर क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आशीष जी, क्या बताएंगे किस तरह से आपने पेपर वर्क किया था और जो बार रेस्टोरेंट है इसके जो नाम है देवी देवताओं के वो निकालने के लिए आपने महाराष्ट्र शासन को विनती की थी, उसका जवाब अभी आया, वो 30 जून तक आपको सभी बार रेस्टोरेंट को अल्टीमेटम दिया गया, ये क्या है पूरी जानकारी क्या दो? मैं आशीष कन्नौजिया विश्व हिंदू परिषद का मुंब्रा का प्रखंड मंत्री हूँ और 23 दिसंबर 2021 को कोरोना का काल में मैंने एक पत्र व्यवहार किया था कि ये बार रेस्टोरेंट के जो नाम है, जैसे दुर्गा पैलेस, श्री कृष्ण पैलेस, शिव पैलेस और हनुमान बार रेस्टोरेंट, मतलब कोई भी कुछ भी ऐसा नाम लेके लगा देता है, तो मेरा ऐसा विचार आया कि मतलब इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। मैंने महाराष्ट्र शासन को ईमेल द्वारा 23 दिसंबर 2021 को मैंने पत्र लिखा, उस पत्र का रिप्लाई मेरे को 23 दिसंबर को ही आया उप मुख्यमंत्री अजीत से, माननीय श्री अजीत दादा पवार की तरफ से, और उनके जो ऑफिस के लोग हैं उन्होंने मेरे को कॉल भी किया कि आपका ये विषय कैसा है, तो ये विषय मैंने उनको पूरा डिटेल दिया, तो वो विषय के लिए फिर बाद में उन्होंने मेरे को वापस रिप्लाई में दिए थे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये तो ये पत्र है, ये उन्होंने कार्रवाई करने के लिए आगे का प्रशासन मेरे को वो दिया कि मतलब हम काम उसके ऊपर चालू किए, फिर तो धीरे धीरे ये काम होते होते ये काम अभी फिलहाल अभी ये एक हफ्ता दो हफ्ता पहले ये डिसाइड किया गया कि ये बार रेस्टोरेंट का नाम, और ये पास हुआ है दिनांक 7/4/2022 को, ये है। इसमें पूरे जितने भी महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा किया है कि जितने भी देवी देवताओं के नाम है बार रेस्टोरेंट उनको हटाने का मांग मुद्दा रखा है और उनको 30 जून तक का अल्टीमेट दिया है कि तुम 30 जून तक ये नाम हटा दीजिए, और साथ में महाराष्ट्र सरकार ने जो भी किले के नाम पे रखे जाते बार रेस्टोरेंट वो भी विशेष में साथ में डाला है कि मतलब किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे, ऐसा नाम बार रेस्टोरेंट का नाम पे रखा ना जाए जिससे कि लोगों को तकलीफ हो। ये हमारे सनातन धर्म की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हिंदू समाज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग जोश जोश में कोई भी नाम रख देते भगवान का, जैसे इनको लगता है कि भगवान के नाम रखने के बाद कि हमारा धंधा चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार रेस्टोरेंट के लोगों को, ओनर को मैं ये बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ आप हिंदू हो, एक हिंदू देवताओं की देवताओं को समझो और हिंदू लोगों की भावना को समझो कि ये जो चीज़ कर रहे हो, ये जो नाम आप दे रहे हो, भले ही आपके लड़के का होगा, आपके पिताजी का होगा, किसी का भी होगा, लेकिन एक नाम भगवान का है, हो भगवान का नाम लगने के बाद वो आपका नहीं एक भगवान का हो जाता है, और भगवान का नाम लोगों की भावना दुखता है जब किसी बार रेस्टोरेंट का नाम लिखा जाता है, जैसे कृष्ण।